गाइज़ वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जीएसटी नंबर की डिटेल वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जीएसटी नंबर की डिटेल चेक करने के लिए तो आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना, जो भी आपके पास है गूगल है आप गूगल में भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र है तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको टाइप कर देना है, यहाँ आपको एक वेबसाइट को टाइप कर लेना है GST पोर्टल। तो यहाँ मैं इस वेबसाइट को टाइप कर लेता हूँ। तो आपको इस वेबसाइट को टाइप कर लेना है, टाइप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ फर्स्ट में आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी GST पोर्टल, तो आपको इस पर टैप कर देना है। तो मैं इस वेबसाइट पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आपको इंटरफेस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको टॉप में 3 डॉट की लाइन देखने को मिलेगी, तो आपको 3 डॉट की लाइन पे क्लिक कर देना है। तो मैं 3 डॉट की लाइन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सर्विस, जीएसटी लोड, डाउनलोड, सर्च, टैक्स पेयर। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च टैक्स पेयर, तो आपको इस पर टैप कर देना है। तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च बाय जीएसटी UIN, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस वेबसाइट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे मैंने उस ऑप्शन पर क्लिक करा है तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको देखने को मिल रहा है एक सर्च बॉक्स देखने को मिल रहा है, एंटर जीएसटीन यूएन ऑफ द टैक्स पेयर। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको आप जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो यहाँ आपको टाइप कर लेना है। ध्यान रहे आपको जो आपका जो जीएसटी नंबर आप अगर पेस्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये लास्ट का जो के है इसको आपको जो भी आपका जीएसटी नंबर में लास्ट का जो वर्ड है उसको आप पहले आपको वो डिलीट कट कर देना है, देन उसके बाद फिर से आपको के कर देना है। तो इस तरीके से, वरना क्या होता है कि ये जो कैप्चा जो देखने को मिल रहा है ये शो नहीं होएगा। तो जैसे ही आप ये अगर आप पेस्ट करेंगे, पूरा पेस्ट करेंगे तो आपको ये कैप्चा शो नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप पेस्ट करते हैं तो लास्ट का आप की को कट कर देना है और फिर जो भी आपका जीएसटी नंबर में जो भी वर्ड है तो फिर बाद में आपको वही टाइप कर देना। अगर आप टाइप करेंगे तो जीएसटी नंबर को टाइप करेंगे तो आपको ये कैप्चा शो हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आप ये देख सकते हैं ये आपको कैप्चा देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको ये कैप्चा यहाँ एंटर करेक्टर शो वीलो, तो ये आपको कैप्चा यहाँ मेंशन कर देना है, जो भी आपका कैप्चा जो भी आपको प्रोवाइड होगा। तो इस तरीके से यहाँ मैंने कैप्चा फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ देखने को मिल रहा है सर्च, तो आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको 102 बार स्क्रॉल डाउन करना है। इसके स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ उसकी डिटेल वगैरह सो गए, लीगल नेम ऑफ बिजनेस जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, ट्रेड नेम जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, अफेक्टेड डेट रजिस्टर, किस डेट को रजिस्टर हुई थी, ये 10 तारीख 2/2/2018 को ये रजिस्टर हुई थी। देन इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो अब उसका बिजनेस क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी से है। देन उसका जीएसटी नंबर जो है वो यहाँ आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि जीएसटी नंबर का स्टेटस क्या है। यहाँ देखें जीएसटी यूएन स्टेटस, जो जीएसटी नंबर है ये एक्टिव है, अगर कैंसिल होती तो यहाँ पर आपको स्टेटस में यहाँ कैंसिल आपको शो हो जाता। देन इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं टैक्स पेयर टाइप, जो आप यहाँ देख सकते हैं ये रेगुलर है, और यहाँ ऑफिस जो है ये आप देख सकते हैं इसका डिविजन बेंगलोर है, लोकल जीएसटी ऑफिस ऑफिस यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से, पिन कोड, आधार ये आप देख सकते हैं एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से आप यहाँ इस तरीके से ही इसके जीएसटी की डिटेल वगैरह देख सकते हैं कि पिन कोड क्या है, सभी चीज़ आप यहाँ जितनी भी आपकी जीएसटी नंबर में डिटेल वगैरह होती है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जीएसटी नंबर की डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।